हेलो एवरीवन, फाइनली एबीपीएस क्लर्क के सारे शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और कल का मैंने एक रिव्यू और एनालिसिस वीडियो पूरा ओवरऑल होने के बाद मैंने आपको के साथ शेयर किया था। आज की मैं देख रही हूँ बहुत सारा एनालिसिस नहीं हो पा रहा है क्योंकि सारी शिफ्ट की एनालिसिस प्रॉपरली, मतलब एनालिसिस तो मिल रही है, एनालिसिस लाइक कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कल वाली जैसे पैटर्न था सेम आज पैटर्न रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं ये कंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ कि आज की जो शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट कौन सी थी, क्योंकि देखिए जो टफेस्ट शिफ्ट होती है फिर उसके बाद सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो उसी के आधार पर होता है ना। अब नॉर्मलाइजेशन सिंपल मीन्स है, जो सबसे टफेस्ट होगी उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, फिर उससे थोड़े कम बढ़ेंगे मॉडरेट वाले के, फिर इजी वाले के नंबर नहीं बढ़ते बल्कि वो कम भी हो सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मलाइज रहता है। अब नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या है ये सब देखिए, बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि बिल्कुल पूरे दिन ये देखते रहते हैं कि ये उन पर छोड़ दीजिए कि कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, बस हमें सीधा सीधा सही है जिनकी हार्डेस्ट शिफ्ट होगी उनको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सेफ स्कोर रहेगा क्या नहीं रहेगा, कुछ तो 80-90 भी बता रहे हैं, कुछ किसी के 70s में ही रह गए, किसी के 60 में भी रह गए। हाँ 60s वालों को मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जिसने भी 70+ अटेम्प्ट किया है अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखिए अगर आपकी शिफ्ट हार्ड वाली हुई तो 6 से 7 से 8 नंबर तक आराम से आपको नॉर्मलाइज स्कोर मिल जाता है। और जो लोग बोल रहे हैं 90-80 ज़रूरी नहीं है, 90-80 का मतलब उन्होंने बहुत जल्दी पेपर को किया होगा और जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है उनके अगर गलत हो जाएं तो वो और नेगेटिव में भी कुछ मार्क्स कट जाते हैं गलत के, और आपके 75 अगर एक्यूरेसी के साथ हैं तो हो सकता है कट ऑफ जाए, मान लीजिए 75 और आप 76 या 77 करके आए लेकिन आपकी पूरी एक्यूरेसी है ना, और एक 85 उसके पता चला तीन उसमें गलत हो गए, तीन एक सेशन में गलत हो गए, तीन एक सेशन में गलत हो गए, टोटल मिला के 9 सवाल गलत हो गए, 9 सवाल का वैसे भी उसका 2.25 मार्क्स कट जाएगा, तो आप सोचिए 2.25 और 9 है ना, तो 11-12 नंबर कट गए। तो इसलिए ट्रस्ट योर सेल्फ, 70+ अगर आप करके आए तो गो फॉर, आप तैयारी करिए मेंस के लिए। ठीक है, और आज का जितने भी लोगों ने जिस जिस शिफ्ट में पेपर दिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए किसकी शिफ्ट में किसना कितना अटैम्प किया है, तो हम कंक्लूड कर पाएंगे उससे कि कौन सी शिफ्ट का स्कोर है वो ज़्यादा है, कौन सी शिफ्ट का स्कोर कम है, यानी नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन से स्टूडेंट्स को मिलेगा। सो शेयर योर स्कोर, शेयर योर शिफ्ट, एंड देन वी विल कंक्लूड कि कौन सी टफेस्ट शिफ्ट थी, क्योंकि आज का मैं कंक्लूजन नहीं ले पा रही हूँ, कंप्लीटली मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स, बहुत सारे पोल भी नहीं समझ में आए, मतलब नहीं मिले हैं। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे आप लोग कमेंट करिए एंड देन वी विल कंक्लूड। ठीक है, ओके।